हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस और बीजेपी में जुबानी जंग तेज हो गई है। जहां एक तरफ कांग्रेस आरक्षण और किसान के मुद्दों पर बीजेपी को घेर रही है, तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को रेवाड़ी में एक रैली कर कांग्रेस को जवाब दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, कांग्रेस पार्टी वोट बैंक के लालच में तुष्टिकरण की राजनीति करती है। कांग्रेस के जमाने में हरियाणा में हथिनी से लेकर थानेसर तक पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते थे। राहुल गांधी अमेरिका में जाकर आरक्षण को हटाने की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि हमने आरक्षण में क्रीमी लेयर को बढ़ाया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, यह हम पर आरोप लगाते थे कि हम आरक्षण को समाप्त करने वाले हैं और अमेरिका जाकर अंग्रेजी में बोल कराए कि आरक्षण समाप्त कर देंगे। राहुल गांधी, आप आरक्षण कैसे समाप्त कर दोगे? सरकार हमारी है और मैं कह देता हूं कि जब तक संसद में बीजेपी का एक भी सांसद है, तब तक आप आरक्षण समाप्त नहीं कर सकते हैं। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि हर अग्निवीर को पेंशन वाली नौकरी दी जाएगी। कांग्रेस पार्टी सेना का सम्मान नहीं करती है। कांग्रेस ने सेना अध्यक्ष को गुंडा कहा था। उन्होंने आरोप लगाया कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी, कट कमीशन और करप्शन से चलती थी, डीलर दलाल और दामादों का राज चलता था। बीजेपी सरकार में न डीलर बचे न ही दलाल बचे हैं, दामाद का तो सवाल ही नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी को अभी किसी एनजीओ ने पकड़ा है कि एमएसपी बोलने से वोट बैंक मिल जाएंगे। खरीफ और रबी की फसल कौन सी है, क्या आपको मालूम है? यानी कि राहुल गांधी पर निशाना साधा अमित शाह ने। पूरे देश में कांग्रेस की जो सरकारें चल रही, वे एमएसपी के नाम पर किसानों को झूठ बोलना बंद करें। हरियाणा की बीजेपी सरकार किसानों को 24 फसलों पर एमएसपी पर खरीद रही है। हरियाणा में कांग्रेस के नेता एक बार बता दें कि देश में आपकी कौन सी सरकार एमएसपी पर 24 फसल खरीदती है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए गृहमंत्री ने कहा कि कर्नाटक और तेलंगाना में आपकी सरकार है, एमएसपी पर कितनी फसल खरीदते हैं बताइए जरा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार को किसान 2 रुपये मुआवजे वाली सरकार कहते थे, क्योंकि आपके समय में बर्बाद फसल के लिए 2-2 रुपये के चेक भेजे जाते थे। आपको बता दें कि नेता विपक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था, मोदी ने अग्निवीरों की पेंशन छीनकर पूंजीपतियों यानी गौतम अडानी और मुकेश अंबानी को दे दी है। आपको याद है कि वन रैंक वन पेंशन हुआ है, अफसरों की जेब से पैसा गया, थोड़ा सा पैसा उधर गया, अडानी को हथियार खरीदवाते हैं। अब इन्हें यह भी चिंता हो गई कि जवानों को पेंशन भी देनी है, तो ये अग्निवीर लेकर के आ गए। अडानी हथियार नहीं बनाता, वो इसराइल से हथियार लेता है और इन विदेशी हथियारों पर लेबल अडानी का ठप्पा लगता है। अग्निवीर को न पेंशन मिलती है, न शहीद का दर्जा मिलता है। अब सोचो हिंदुस्तान का क्या होगा। इसका नाम सिर्फ अग्निवीर है, इसका सच्चा मतलब है जवानों की पेंशन को शहीद का दर्जा छीन लिया गया है। अब राहुल गांधी ने जैसे ही ये बयान दिया, उसके बाद से राहुल गांधी के इस बयान पर पलटवार करते हुए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि हर अग्निवीर को पेंशन वाली नौकरी देंगे। लेकिन फिलहाल राहुल गांधी ने तो मोदी सरकार को निशाने पर लेकर अपनी बात को रख ही दिया है। लेकिन उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की सरकार चलाने वाले 90% लोग हैं, उसमें से सिर्फ 3 दलित हैं, जबकि 45 होने चाहिए। यह लड़ाई हरियाणा की नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान और संविधान को बचाने की। भाजपा ने सारी संस्थाओं को कुचल कर रख दिया, पूरा कंट्रोल नागपुर पर है। अब कुल मिलाकर के यह कि एक बार फिर से गृहमंत्री अमित शाह और राहुल गांधी के बीच जुबानी जंग शुरू हो चुकी है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि जनता किन की बातों पर विश्वास करती है। वीडियो डेस्क, अमर उजाला .com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।